बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए। लोग थिएटर्स में जाकर न सिर्फ फिल्म देख रहे हैं बल्कि जमकर खर्च भी कर रहे हैं खाने पीने पर, और ऐसा करने वाले सिर्फ जय ठक्कर या उनके जैसे लोग नहीं है, बाकी लोग भी हैं जो फिल्मों के साथ खाने पीने पे दम लगाकर खर्च कर रहे हैं, और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक रिपोर्ट करी है, और ये रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या है डिटेल्स, कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए क्या है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, यहाँ पर आईनॉक्स ने लॉन्च की है पहली बार सिनेमा फूड रिपोर्ट 2022। सिनेमा फूड रिपोर्ट 2022। यस यस, तो उसमें जितने भी जो फूड अपने इनके पीएनएल में देखते हैं कि F&B से जो इनकी आय आती है फूड एंड बेवरेज से, वो कितनी आती है और उसका स्प्लिट क्या है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप ये बताओगे जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कितना खर्चा होता है, खाने पीने कोई नाचोस लिया, हाँ तो आप आइटम वाइज बताओगे। हाँ आइटम वाइज, एक मिनट फिर तो रुको जरा सारे, मैं आपके पोल के पहले मैं एक प्री पोल करवा दूं। ओके कहाँ है आपके हिसाब से सबसे ज्यादा थिएटर में खाया जाने वाला कौन सा आइटम होगा? सुमित जी फटाफट फटाफट बोलते हैं, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, ओके। आशु जी और अनिल जी एक और प्रॉब्लम है, अरे इसमें भी प्रॉब्लम जी आशीष बताए जी अनिल जी पॉपकॉर्न भी वो क्या होता है ना सबसे बड़ा वाला बिकता है, हाँ। क्योंकि सारे वो जो जाते हैं बहुत समझदार होते हैं, वो सबसे छोटा होता है इतना सा 380 रुपए का, हाँ। वो 40 रुपए ऊपर और बड़ा कर देते हैं और 50 रुपए ऊपर और बड़ा, तो कहते हैं 450 का ही लो यार, 500 वाला ही लो, जो ट्रिपल वाला लेना पड़ता है अनिल जी, वो छोटा वाला भी कोई नहीं लेता। आप तो बाल्टी लिया करो ना, वो पूरी आती है ऐसी बड़ी बकेट एकदम, हाँ वो बाल्टी लेनी पड़ती है, टब, हाँ टब, ये टब सही है। तो आपके हिसाब से भी पॉपकॉर्न, ओके। हिमांशु जी पॉपकॉर्न ही है सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है, पॉपकॉर्न, अच्छा। सिमी जी पॉपकॉर्न, ओके। वागले साहब अनिल जी पॉपकॉर्न ही है, गए हो क्या अंदाज से इनको सुन के बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता आप पीछे पीछे जाते होंगे, आपको देख के ऐसा लगा नहीं कभी अनिल जी मैंने ऑडियंस बोल एक जी जी वागले साहब क्या कह रहे सुनते हैं जी जी अनिल जी मैंने एक 2-3 हफ्ते पहले दृश्यम देखी, वो? और वो भी पीवीआर फिनिक्स में, क्या बात है, और वो भी रिक्लाइनर पे, वेरी गुड। आप तो ऐसे न थे वागले साहब और मैंने पॉपकॉर्न भी खाया, अरे वाह, तभी शेर भाग रहे 2 हफ्ते से अब पता चला। जी सचिन जी डेफिनेटली पॉपकॉर्न, एंड पॉपकॉर्न के साथ आई थिंक नेचोस भी, नेचोस पॉपकॉर्न, हाँ। किरण जी सेम अनिल जी पॉपकॉर्न, ओके। सो पॉपकॉर्न सबसे ज्यादा, समोसे का कोई नाम ही नहीं ले रहा, मैं भी वही सोचा था, समोसा कोई तो बोले। पॉपकॉर्न और समोसे में कांटे की टक्कर होगी, जर्मनी और सॉरी फ्रांस और अर्जेंटीना की तरह, जो पेनल्टी शूट आउट में शायद पॉपकॉर्न जीते है, लेकिन ये तो एक तरफा, ये सही है, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं सब लोग, 95% ऑडियंस पोल, तो ऐसे थोड़ी एक्सपर्ट का पैनल है हमारा, सही बोलते तभी तो बैठे हैं यहाँ पे 100%। अब आप बताइए आपका पोल क्या कह रहा है। सो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें 74 शहरों में इनके जो 167 स्क्रीन्स है, इनफैक्ट जो सिनेमाघर है वहां पर इन्होंने पूरा फूड एंड बेवरेज की सेल्स बताई है, जिसमें सबसे पहले पॉपकॉर्न डेफिनेटली यहाँ पर 863 टन पॉपकॉर्न बिकता हुआ नजर आया है, 863 टन, 850 टन, हाँ टन। अरे बाप रे, इतने खा गए, ओके। सो एक ये है जिसमें लगभग 8 टन जो है मुंबई में बिका है, इनफैक्ट इस साल 82 टन जो है वो फ्रेंच फ्राइज बिकते हुए नजर आए हैं, साथ ही लगभग 38 लाख लीटर कोल्ड ड्रिंक्स भी बिके हैं, इनफैक्ट कोलकाता में 3.5 लाख लीटर्स यहां पर इसकी बिक्री के साथ ये टॉप जो है यहां पर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूमर बनता हुआ नजर आया, इनफैक्ट करीबन 20 लाख कप चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक के, अच्छा 38 लाख कोल्ड ड्रिंक, 38 लाख लीटर जो है वो कोल्ड ड्रिंक के बिकते हुए, मतलब चाय कॉफी कम बिकती, चाय कॉफी, हाँ चाय कॉफी अराउंड 20 लाख कप बिके हैं 2022 में, अच्छा। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, साथ साथ जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो नाचोज बोल रहे थे सर, तो यहाँ पर नाचोज में जो बेची गई संख्या है उसका वजन लगभग 2.5x बोइंग 737 या 800 एयरक्राफ्ट के बराबर है, अच्छा मतलब 2.5 एयरप्लेन्स के वजन के बराबर नाचोज बिकते हुए नजर आए 2022। समोसे बताओ, समोसे कितने बिके हैं, हमारा तो इंटरेस्ट समोसे में है, हाँ तो और समोसे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलरली
लगभग 19 लाख समोसे बेचे गए हैं, जिसमें लगभग 10.7% समोसे तीन प्रमुख साउथ सिटीज से आए हैं। अब ये तो बहुत ही अच्छा, साउथ वाले ज्यादा समोसे यही तो नहीं समझ में आ रहे सर। अच्छा साउथ सिटीज है और इसमें बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। अच्छा वो लोग समोसे ज्यादा खा रहे हैं, वो लोग समोसे ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा दिल्ली वालों जागो। अच्छा एक्चुअली वो फायदा भी ना इसमें क्या है, इस काम सस्ते में हो जाता है पॉपकॉर्न में। एक लोग पूरा एचयूएफ गया, चार दो तू खा दो तू है, समोसे में तो चार अलग पैकेट लेने पड़ते ना, सही बात, फिर मामला महंगा हो जाता है। क्यों सुमित जी सही है? देखिए अनिल जी बिल्कुल सही है, अनिल जी अगर आप दो या तीन लोग साथ में जा रहे हो तो एक टब में काम हो जाता है। हाँ देखा ऐसे थोड़ी सुमित जी है, समझ तो गए हो क्या आप, इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और क्या क्या लिखा है इस रिपोर्ट में सर? ये है इसके साथ साथ जो पीक टाइम ऑफ ऑर्डर्स है उसके बारे में चर्चा की है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो अवतार 2 अभी रिलीज हुई है उसकी कलेक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली बढ़िया आती हुई दिखी है, जिसमें ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन 127 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखा है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे लगभग 40 करोड़ हर दिन। बंसल जी के हिसाब से तो ये फिल्म हिट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बंसल जी तो 2100 करोड़ से गिनेंगे लेकिन वर्ल्ड वाइड है, खाली इंडिया में नहीं। हाँ तो ये डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छे फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं, तो पब्लिक का जो फुटफॉल है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि 2023 की जो अब फिर से फूड रिपोर्ट आएगी उसमें ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा, मतलब पैसे टिकट से बने नहीं बने, खाने पीने से बने। इनका वही था ना, आपको याद है अनिल जी प्री कोविड के टाइम पे एक बड़ा इशू हुआ था कि खाना डब्बा जो है वो लेके जाने दिया जाए मॉल्स में। और उस टाइम पे इन स्टॉक्स की क्या पिटाई हुई थी, क्योंकि इनका 25-30% रेवेन्यू जो यहाँ से आता है, लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन इनका F&B बिजनेस से आता है। ऐसे जो अलाउ कर दिया ना तो लोग ले जाएंगे थेपले। जैसे अभी विदेश यात्रा पे जाते हैं ना तो पराठे थेपले वगैरह इस तरह नमकीन भुजिया ये सब जाता है, वैसा थिएटर में भी चालू हो जाए। करेक्ट, सब अपनी अपनी सीट पे खोल के खा रहे हैं मजे से। चलिए तो ये है पूरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आईनॉक्स की तरफ से आती हुई, जहां पर बहुत ही जबरदस्त खाने पीने के शौकीन लोग फिल्में देख रहे हैं। इसमें पूरी में कमी रहेगी एक ही चीज की, जय ठक्कर होते तो कुछ Okay. और मजा आता है, एडिशन होता डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं काफी हद तक जो F&B बिजनेस है उसमें काफी कमाई कर रही है, और मेरे ख्याल से पहले बार है जो इस तरह की रिपोर्ट जो है वो आईनॉक्स की तरफ से यहाँ पे साफ आपको नजर आती हुई। शुक्रिया कुशल ये पूरे अपडेट हमको बताने के लिए।